जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एआरओ पालमपुर की फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है, फाइनल मेरिट क्या हो सकती है और कितने नंबर वालों का सिलेक्शन होगा और आपका स्कोर सेफ है या नहीं। ऐसे पहले भी हम वीडियो बना चुके हैं एआरओ पालमपुर को लेकर, लेकिन उसके बाद जो एक नोटिफिकेशन यानी कि एक अपडेट ऐसी पता चली थी जिसके अंदर बोला गया था कि अब की बार वैकेंसियां ज्यादा दी गई हैं सभी के सभी एआरओ को, अब की बार 50,000 से ज्यादा वैकेंसियां मिलेंगी आर्मी को। भाई इससे पहले जो वैकेंसियां थी वो 45,000 के लगभग थी, अब की बार जो आर्मी के द्वारा बोला गया है कि वैकेंसियां बढ़कर मिलेंगी। तो पिछली बार जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें जो मैंने कट ऑफ बताई थी वो आपको पिछली वैकेंसियों के आधार पर बताई थी, लेकिन अब वैकेंसियां सामने आ रहा है कि बढ़ चुकी हैं। तो बढ़कर जब वैकेंसियां आएंगी तो मेरिट भी गिरेगी, मेरिट गिरेगी तो कितने नंबर वाले का सिलेक्शन होगा अब हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जैसा भी आप बोलते हैं आपने बोला दोबारा सर वीडियो बना दीजिए, हम दोबारा वीडियो लेकर आ गए हैं, तो ये काम आप जरूर कर दीजिएगा। भाई सबसे पहले बात करते हैं, ये मैंने बात आपको पिछली वीडियो के अंदर भी बता दी थी कि एआरओ पालमपुर के अंदर पिछली बार 2023 के अंदर कितनी वैकेंसियां मिली थी भाई, 580 के लगभग आर्मी जीडी को मिली थी। अब जीडी की बता रहा हूं, कलर की वैकेंसियां भाई अब की बार देखो, कलर की वैकेंसियों का नहीं पता होता, वो घट भी सकती हैं, मतलब कि प्रॉपर आइडिया नहीं, जैसे आइडिया जीडी की वैकेंसियों का पता लगता है कलर का नहीं है। वैकेंसियां कितनी मिलेंगी कितनी बढ़कर मिलेंगी ये नहीं कहा जा सकता, क्लर्क वालों को बता रहा हूं। अगर आपके 35+ क्वेश्चन ठीक है तो आप एक सेफ स्कोर के अंदर है, आपके सिलेक्शन होने की उम्मीद है। भाई जीडी की बात करें 580 के लगभग वैकेंसियां पिछली बार मिली थी और कट ऑफ क्या गई थी पिछली बार, भाई कट ऑफ गई थी आपकी, हाँ जी पिछली बार की मेरिट कट ऑफ की बात करें ये लगभग आपकी 158 के आसपास रही थी। भाई दो तीन नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, एक दो नंबर कम भी हो सकते हैं, एक दो नंबर ज्यादा भी हो सकते हैं, 158 के लगभग पिछली बार की कट ऑफ पालमपुर के अंदर रही थी आर्मी जीडी की। अब बात करें 2024 के अंदर, भाई 2024 के अंदर जिस हिसाब से बोल रहे हैं कि वैकेंसियां ज्यादा मिलेंगी अब की बार, अगर ज्यादा मिलेंगी तो हो सकता है ये वैकेंसियां आपके एआरओ में 150 से 200 वैकेंसियां भी पिछली बार से ज्यादा बढ़कर मिल सकती है। अगर बात करूं भाई कितने बच्चे अब की बार फिजिकल मेडिकल पास हुए हैं, लगभग 1400 बच्चे और 1400 से 1500 बच्चे फिजिकल और मेडिकल पास हो चुके हैं, यानी कि जो मेरिट बनेगी वो इतने बच्चों में से बनेगी। अब इतने बच्चों में से कितने का सिलेक्शन हो सकता है, अगर ज्यादा का सिलेक्शन होगा तो मेरिट कम जाएगी, बच्चे ज्यादा लेने हैं तो मेरिट कम जाएगी भाई, अगर बच्चे कम लेने हैं तो मेरिट जाएगी ज्यादा, बच्चे ज्यादा तो मेरिट कम, अगर बच्चे कम लेने हैं तो मेरिट ज्यादा होगी। अब बोल रहे हैं कि वैकेंसियां बढ़कर मिल सकती हैं, भाई पिछली बार 580 के आसपास वैकेंसियां थी, अगर अब की बार 750 के लगभग 750 और 800 के लगभग वैकेंसियां मिल जाएं, यानी कि 50% अगर वैकेंसियां एआरओ पालमपुर को मिल जाती हैं तो कट ऑफ क्या रह सकता है। भाई सबसे पहले बात करें भाई, ज्यादातर बच्चों के जो नंबर हैं वो 150 और 155 के लगभग, बहुत बच्चे हैं जिनके नंबर 150 और 155 के लगभग बन रहे हैं, तो मैक्सिमम बहुत से बच्चे इन नंबरों के बीच में हैं, 155 से ऊपर तो चलो हैं लेकिन ज्यादातर बच्चे इनके बीच में बैठे हैं। तो 750 से 800 वैकेंसियां मिलती हैं, तो जिनके नंबर 155 हैं या 155 प्लस हैं उनका तो भाई 100% सिलेक्शन हो जाएगा अगर 750 से 800 वैकेंसियां मिलती हैं, और 150 नंबर वालों के भी पूरे चांस होंगे, 99% चांस 150 नंबर वालों के भी बन जाएंगे कि इनका भी सिलेक्शन हो जाएगा अगर 750 से 800 वैकेंसियां मिलती हैं 1400-1500 में से, यानी कि 50% से ज्यादा वैकेंसियां मिलती हैं तो आपका सिलेक्शन 150 नंबर पे भी हो सकता है, भाई इतने पर भी हो सकता है। अब आपने कमेंट करके बताना है कि आपके नंबर कितने बन रहे हैं, जीडी वाले जीडी का कमेंट करेंगे, क्लर्क वाले क्लर्क, अगर आप किसी और एआरओ के हैं मंडी हमीरपुर शिमला तो आप जब आपके एआरओ का फिजिकल हो जाएगा तो आपके लिए भी एक वीडियो बना दी जाएगी कट ऑफ को लेकर। फिलहाल ये अनुमान
अनुमानित आंकड़ा है भाई जीडीपी कट ऑफ को लेकर, ठीक है? तो 150 और 155 के लगभग कट ऑफ रहेगी जब अगर 750 से 800 वैकेंसियां मिल जाती हैं आपको यारों को। और भी अगर आपको कोई अपडेट चाहिए कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दीजिएगा, और जरूर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को भी शेयर कर दीजिए। आगे भी जो भी अपडेट आएगी रिजल्ट को लेकर, आगे भी जो भी चीजें होंगी आर्मी को लेकर, वो सारी की सारी आपको इस चैनल पर बता दी जाएंगी। अभी के लिए इतना ही, सभी को जय हिंद, नमस्कार भाई।